प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नंबर वन न्यूज नेटवर्क टीवी 9 की ग्लोबल समिट व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे में थे। इस दौरान उन्होंने टीवी 9 नेटवर्क के जरिए 140 करोड़ भारतीयों को न्यू इंडिया की विकास यात्रा के अहम पड़ावों और आने वाली मंजिलों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले टीवी 9 नेटवर्क की विविधता की तारीफ की। आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क में अलग अलग भाषाओं के चैनलों के गुलदस्ते को भारत की विविधता में एकता की शानदार मिसाल बताएं। टीवी 9 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहां उपस्थित आप सबको भी। मैं अक्सर भारत की डाइवर्सिटी की चर्चा करता रहता हूं। इस डाइवर्सिटी को टीवी 9 का न्यूज रूम, आपकी रिपोर्टिंग टीम में बखूबी वो नजर आता है, ये रिप्रेजेंट करता है। टीवी 9 के अनेक भारतीय भाषाओं में मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आप भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी उसके प्रतिनिधि भी हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बीते 10 साल में विकसित भारत की मजबूत नींव पर देश की विकास यात्रा में बड़ी छलांग का विश्वास जताया। अगर आज दुनिया को लगता है कि भारत एक बड़ा लीप लेने के लिए तैयार है, तो उसके पीछे 10 साल का एक पावरफुल लॉन्च पैड है। तो 10 वर्ष में ऐसा क्या बदला कि आज हम यहां पहुंचे हैं? ये बदलाव माइंडसेट का है, ये बदलाव सेल्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट का है, ये बदलाव गुड गवर्नेंस का, सुशासन का। साथियों, एक बहुत पुरानी कहावत है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। साथियों, हारे हुए मन से विजय मिलनी बहुत मुश्किल है, इसलिए पिछले 10 साल में माइंडसेट में जो बदलाव आया है, जो लीप हमने लिया है, वो वाकई अद्भुत है। आशा का संचार। बीते 10 साल में भारत कैसे दुनिया की अव्वल 5 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया, ये करिश्मा कैसे हुआ, इसकी कहानी भी प्रधानमंत्री ने खुद सुनाई। आज के बाद दशकों तक जिन्होंने सरकार चलाई, उनका भारतीयता के सामर्थ्य पर ही विश्वास नहीं था। उन्होंने भारतीयों को अंडर एस्टिमेट किया, उनके सामर्थ्य को कम करके आंका। तब लाल किले से कहा जाता था कि हम भारतीय निराशावादी हैं, पराजय भावना को अपनाने वाले हैं। लाल किले से ही भारतीयों को आलसी कहा गया, मेहनत से जी चुराने वाला कहा गया, जब देश का नेतृत्व ही निराशा से भरा हुआ हो तो फिर देश में आशा का संचार कैसे होता। इसलिए देश के अधिकांश लोगों ने भी ये मान लिया था कि देश तो अब ऐसे ही चलेगा,
ऊपर से करप्शन, हजारों करोड़ के घोटाले, पॉलिसी पैरालिसिस, परिवारवाद, इन सब ने देश की नींव को तबाह करके रख दिया था। पिछले 10 वर्षों में हम उस भयावह स्थिति से देश को निकालकर यहां लाए हैं। सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में आ गया है। आज देश में जरूरी नीतियां भी तेजी से बनती हैं और निर्णय भी उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। बड़ी सोच का जादू भी बड़ा होता है और प्रधानमंत्री के अनुसार अब भारत के लोग बड़ा ही नहीं बल्कि बेहतर भी सोचते हैं। 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है। आज हम जो करते हैं वो बेस्ट और बिगेस्ट करते हैं। आज भारत की उपलब्धियां देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया भारत के साथ चलने में अपना फायदा देख रही है और भारत ने ये भी कर लिया, ये रिएक्शन। अच्छा, भारत ने कर लिया, भारत में ये हो गया, ये रिएक्शन आज की दुनिया का न्यू नॉर्मल है। बढ़ती विश्वसनीयता आज भारत की सबसे बड़ी पहचान है। अब 10 साल पहले के और आज के एफडीआई के आंकड़े देखिए। पिछली सरकार में 10 साल में $300 बिलियन की एफडीआई भारत में आई, हमारी सरकार के 10 साल में $640 बिलियन की एफडीआई भारत में आई। दस साल में जो डिजिटल क्रांति आई है, कोरोना के समय में वैक्सीन पर जो भरोसा बैठा है, आज टैक्स देने वालों की बढ़ती हुई संख्या हो, ये चीजें बता रही हैं कि भारत के लोगों का सरकार और व्यवस्था पर भरोसा बढ़ रहा है। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। यहां इस हॉल में ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे। साल 2014 में देश में लोगों ने करीब 9,00,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे थे। अगर मैं साल 2024 की बात करूं तो आज देश के लोगों ने 52,00,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है।